हेलो भाई, तो जैसा कि हम आज यहाँ एक नई चीज़ पता चली क्योंकि मेरे एक अंकल को लोगों ने बताया अभी कि ये मैं हूँ दीवान का बाजार। बता रहे हैं कैपिटल नाम से पहले यहाँ पिचौरन हुआ करता था जो कि आपके दीवान का बाजार में है और इसी रोड पर मैं समय खड़ा हुआ हूँ जो कि काफ़ी दशक पुराना था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्डिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरा टर्न करके। तो जैसा कि आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं जिम वाली जो बिल्डिंग है जिस पर बोर्ड लगा हुआ है, पहले यहीं ये पिक्चर हॉल हुआ करता था। यही वो बिल्डिंग है जहाँ वो पिक्चर हॉल हुआ करता था, कैपिटल पिक्चर हॉल हुआ करता था और जिसकी लिमिट आगे तक थी। आगे जो बिल्डिंग है, आगे जो परचून की दुकान है, वहाँ तक हुआ करती थी। बहुत पुराना पिक्चर हॉल कहलाता है ये, जो अपने यहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो आजकल नई जनरेशन है जिनको नहीं पता इसके बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज शहर के बारे में थोड़ा इस चीज़ की जानकारी दी जाए। आप जो दुकान देख रहे हैं ये सब एरिया पहले उसी पिक्चर हॉल में आता था, ये सब उसी एरिया में बनी हुई दुकान है जो अब उस पिक्चर हॉल का यहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं है। आप देख सकते हैं ये पूरा नज़ारा ये, और उस पिक्चर हॉल की जो मेन लिमिट थी वो यहाँ आगे ख़त्म होती थी इस दुकान पे, यहाँ तक था वो पिक्चर हॉल, कैपिटल पिक्चर हॉल के नाम से जाना जाता था। ये आप देख सकते हैं पूरा, ये पूरे इस एरिया में था और पीछे वाइट बिल्डिंग से लेके यहाँ तक आता था पूरा पिक्चर हॉल वो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने भी देखा, मैंने आपको शहर के बारे में बताया, इस पिक्चर हॉल के बारे में। अभी मेरे को अंकल जी मिले, इनसे जानकारी लेते हैं कितने साल पुराना था, यहाँ पे क्या क्या था, क्या क्या रेड हुआ करते थे, कौन से दशक की बात है ये हमारे शहर के बारे में। आइए जानते हैं अंकल जी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये वो अंकल जी जो हम अब जानकारी देंगे। अंकल, आप मेरे को बता सकते हैं ये कौन से सन की बात होगी जब यहाँ पिक्चर हॉल हुआ करता था? उससे पहले अंकल आप ये बताइए कौन सी जगह है, किस नाम से कहलाती है जगह ये? दीवान का बाजार है। ठीक है, दीवान का बाजार है। तो यहाँ से लेकर चौराहे तक दीवान का बाजार है। ठीक है, यहाँ से लेकर चौराहे तक दीवान का बाजार है। तो अंकल, पिक्चर हॉल किस नाम से था पहले यहाँ पे? ये कैपिटल। कैपिटल, ये कौन से दशक की बात है? 70 की, 60 की, कब की है? नहीं, 70 ये 80 की बात है, जब कर्फ्यू लगा था 80 में। अच्छा, 80 में कर्फ्यू लगा था। अंकल, 80 में कर्फ्यू क्यों लगा था ये उस समय? ये हिंदू मुस्लिम हो गई थी। ओके, तो अंकल उस समय पिक्चर हॉल था तो यहाँ काफी भीड़ रहती थी, लोग आते थे काफी, या खाली नाम का था? नहीं, बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़ थी, काफी फेमस हुआ करता था यहाँ का, ये फेमस हुआ करता था। तो अंकल, टिकट के रेट क्या रहते थे उस समय, उस जमाने में? अरे, बहुत सस्ते थे उस समय तो। बहुत सस्ते थे। अंकल, आपकी कोई ऐसी यादगार फिल्म जो आपने देखी हो उस थिएटर में? सबसे पहले वो लगी थी, क्या कहते हैं, आग लगी थी। आग में अंकल कौन कौन हीरो थे हमारे, किसकी थी ये? आपको ध्यान नहीं है? कोई बात नहीं अंकल, कोई बात नहीं, होता है। अच्छा, तो अंकल ये पहले यहाँ पे इस जगह में था जो अब इसका नामो निशान नहीं रहा यहाँ पे कोई। अब यहाँ सब नई नई प्लॉटिंग हो गई है, जो भी घर बन गए, सब मॉमडन बस्ती हो गई है, मॉमडन। अच्छा अंकल, जैसा कि मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ ये जो गेट लगा हुआ है, ये गेट भी काफी पुराना गेट है। ये 100 साल से ऊंचा है। ओके, काफी पुरानी हो गई ये भी। हाँ, बहुत बिल्डिंग है ये, पूरी 1200 गज की बिल्डिंग है। पूरी 1200 गज की बिल्डिंग है ये। ओके अंकल, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामोतार है। रामोतार। तो जैसा कि आप लोगों ने भी देखा, रामोतार अंकल जी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मेरे को बताया कितने दशक पुराना था और यहाँ पे कितनी भीड़ लगा रही थी। अंकल ने आग मूवी भी यही देखी है, इसी थिएटर में देखी थी। तो दोस्तों, देख सकते हैं अभी बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुराना ये है, उस जमाने का बना हुआ है जो कि अंकल जी सामने बैठे हुए मेरे को जानकारी दे रहे थे यहाँ पे कैपिटल पिक्चर हॉल के बारे में। आप देख सकते हैं ये वो पूरी बिल्डिंग है, ये सब काफ़ी पुराना है ये यहाँ का। ये आप गेट देख सकते हैं, उस जमाने के बने हुए हैं जो पहले हुआ करते थे। देख सकते हैं ये वो गेट है पुराने जमाने के, ये देख सकते हैं ऊपर तक जाते हुए। दोस्तों, आपने देखा भी, अंकल से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कैसे क्या इस थिएटर के बारे में पूरी जानकारी दी। और अभी मैं यहाँ आ चुका हूँ एक टेलर अंकल की शॉप के बाद, ये भी बोल रहे थे कि मैं भी आपको जानकारी दे सकता हूँ, तो आइए अब इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं यहाँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, मैं आ चुका हूँ भैया की शॉप में, अब जानकारी लेते हैं थोड़ी सी इनसे। तो भैया, पहले तो मैं आपका सब नाम जानना चाहूँगा, आपका सब नाम क्या है? सरताज हुसैन जी। तो ये बताइए, यहाँ पे ये जो पिक्चर हॉल हुआ करता था, ये इस बिल्डिंग वाइट वाली बिल्डिंग से लेके और आगे जनरल स्टोर तक हुआ करता था ना, ये किस नाम से था? कैपिटल सिनेमा हॉल। कैपिटल सिनेमा हॉल, ये कौन से सन की बात होगी? वो कब बना था ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया था तो था सिनेमा। जब आप दो दशक पहले। ये कौन से सन की बात है जब आप यहाँ आए थे? ठीक है, आसपास 2003 की। 2003 की, तो उस समय आप फिल्म वगैरह लगा करती थी? बंद था, संचालन में था ये आपका। अच्छा, तो आपको कुछ ऐसा ध्यान, आपने कोई मूवी देखी थी इसमें? पहले देख रखी, अब तो नहीं देखी। पहले देख रखी। टिकट रेट वगैरह क्या हुआ करते थे?
जनरेटर शायद ऐसे ही होते थे, 5-7 रुपए, 5-7 रुपए होगा। अच्छा भीड़ कैसी रहती थी, क्राउड कैसा रहता था यहाँ? क्राउड मीडियम था, मीडियम था, मीडियम था। अच्छा तो ये कौन सी जगह कहलाती है जो जिस रोड पे है? ये कैप्टन नीमर रोड ही कहलाता है, इसकुमार के चौराहे से लेकर दीवान के बाजार तक। अच्छा दीवान के बाजार तक। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।